बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तबस्सुम और आप देख रहे हैं देसी फूड एसबी। आज हम बना रहे हैं देसी स्टाइल में एग फ्राइड राइस, जिसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, बंद गोभी आधा किलो, शिमला मिर्च एक अदद, मटर एक प्याली, गाजर एक अदद, प्याज एक अदद, सब्ज मिर्चे 8 से 10 अदद, ऑयल एक प्याली, चिकन एक प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, 2 अंडे, नमक हसबे जरूरत, काली मिर्च और दरदरा मिर्च हसबे जरूरत, 3 टेबलस्पून सिरका और 3 टेबलस्पून सोया सॉस, आधा किलो चावल जिनको मैंने धोकर भिगो लिया है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देसी हम चूल्हे पे रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल गर्म होने तक इसमें प्याज शामिल करेंगे। इसको फ्राई करना है पिंक पिंक, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जैसे हम आम रूटीन में पुलाव वगैरह बनाते हैं उस तरह का नहीं करना है। प्याज हमारा ये हल्का सा पिंक फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 2 मिनट भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने शामिल किया था वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए तब तक। ये देखें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे तो इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जब पूरी तरह से व्हाइट हो जाए तब आपने इसमें बाकी चीजें शामिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। हमारा चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब जो अंडे हैं हम इनको फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम इस चिकन में ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अंडों को इस स्टेज पे इसलिए डालते हैं ताकि इनमें से स्मेल ना आए, अंडों की जो कच्ची स्मेल होती है वो फिर चावल पूरे चावलों में से आएगी तो फिर आपके चावल अच्छे नहीं बनेंगे। हमारे अंडे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इनमें वेजिटेबल शामिल करेंगे, मटर, गाजरें और बंद गोभी पहले ऐड कर दें और शिमला मिर्च थोड़ा लास्ट में ऐड करें क्योंकि ये जल्दी पक जाती है तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। अब इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और इसको 2-1 सेकंड भूनेंगे। मसाला जार शामिल करेंगे, सबसे पहले सब्ज मिर्च जिसको मैंने चॉप कर लिया था, सब काली मिर्च, दरदरा मिर्च, अब इसमें सिरका शामिल करेंगे है, सोया सॉस की 3 टेबलस्पून है, नमक हम लास्ट में शामिल करेंगे। ये हमने जो चावल भी धोए थे अब इनका पानी निकाल लेते हैं और चावल अब मसाले में शामिल करेंगे। ये इस तरह से मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि ये इससे जल्दी कुक हो जाते हैं और टाइम की बचत भी होती है। आजकल की बच्चियां जो जल्दी जल्दी काम करना चाहती हैं कि उनको होता है मुश्किल खाना बनाना तो ये जल्दी से हो जाए तो इसलिए ये तकरीबन आपके राइस जो है ये आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे। ये अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है 2 कप, इसको मिक्स करके नमक भी साथ ही शामिल कर देंगे। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है इसलिए मैं 1.5 टेबलस्पून और ऐड कर रही हूं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तकरीबन हाफ कुक होने पे फिर हम मिलते हैं दोबारा। तो ये हमारे चावलों को बॉयल आ गया है, तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे पानी खुश्क होने में, उसके बाद दम पे मिलते हैं। तो पानी हमारा खुश्क हो गया है चावलों का, तो अब हम इनको दम पे लगाते हैं। तकरीबन इनको 10 मिनट दम पे लगाना है। चावलों को हमारे दम आ गया है, ये देखें हमारे चावल पक चुके हैं। अब हम इन्हें सर्विंग डिश में निकालते हैं और चूल्हा बंद करते हैं।
इसको हम सर्विंग प्लेट में डालते हैं। अब ये हमने देसी स्टाइल में बनाए हैं, आप भी बनाएं, आपके बच्चों को और आपके घर वालों को जरूर पसंद आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मेरे पुरानी वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपने अपनी पसंद की कोई रेसिपी बनवानी है तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।